नगर परिषद रामनगर के पार्षदों में आम बैठक नहीं होने से नाराजगी थी, जिसके कारण वार्डों का विकास बाधित था। पार्षदों के सांकेतिक विरोध और दबाव के बाद कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी ने 9 जनवरी को आम बैठक के मांग पत्र पर हस्ताक्षर किए। सभापति गीता देवी और उपसभापति श्वेता सिंह ने भी दी सहमति। पार्षद प्रतिनिधि पिंटू गुप्ता, जावेद अख्तर, वाशे खान ने कहा कि पार्षदों का आम बैठक नहीं होने से विकास कार्य बाधित था। बैठक होने से कई विकास कार्यों का रास्ता साफ हो जाएगा। जो आप लोग पत्र दिए कार्यपालक पदाधिकारी को, संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हर महीना जो है कि सामान्य बैठक नहीं होने के कारण इस कठिनाई का सामना जनता को हो रहा है, जिसको हम लोग समझाने में असमर्थ थे। इसलिए आज कार्यपालक पदाधिकारी के पास हम लोगों ने एक लेटर बढ़ाया है। उसमें हम लोग का यही मांग है सब तमाम पार्षदों का कि हर महीना सामान्य बैठक की जाए, जिससे हम लोग जनता की समस्या को उसमें रखा जाए और उन लोगों के समस्या का निपटारा हो। मेन मकसद यही है और कोई खास मकसद नहीं है। लोगों के द्वारा नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी को जो पत्र दिया गया, क्या वजह है, क्या उद्देश्य? देखिए, आज हम सभी पार्षद, माननीय पार्षदगण ने मिलकर नगर परिषद में जाकर कार्यालय में पदाधिकारियों को यह पत्र सौंपा कि माननीय सभापति महोदया द्वारा 9/10/2023 को एक पिछले बैठक की गई थी और उनका यह वादा था कि हर महीने की 9 तारीख को हम बैठक कराएंगे, लेकिन इस माह में वो बैठक नहीं करा सकी और कहने पर टाल मटोल कर रही थी।